गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग जामुन का पेड़ कहानी को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि उस आदमी को जामुन के पेड़ से नीचे से निकालने के लिए उसे काट देने की बात की जा रही है। तो पाठ को आगे बढ़ाते हैं, पृष्ठ संख्या 106। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है, यानी हम इसे बाद में जोड़ देंगे, अभी काट के निकाल लेते हैं फिर इसे हम लोग बाद में जोड़ देंगे काट प्लास्टिक सर्जरी से। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच से ही काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से घड़ के स्थान पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है, यानी इसको हम लोग काट के भी निकाल लेते हैं। उस व्यक्ति का सुझाव था कि इस व्यक्ति को अभी काट के निकाल लेते हैं क्योंकि पेड़ तो काट नहीं सकते, तो आदमी को ही काट देते हैं और काट के निकाल के फिर उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ लेंगे क्योंकि हमारा जो मेडिकल साइंस है काफी उन्नति कर चुका है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा मगर आदमी मर जाएगा। सोचने वाली बात है, ये कहानी है ही हास्य व्यंग्य पर आधारित। तो देखिए किस तरह की ये बातें कर रहे हैं। सब ठीक है, ऑल ओके, इसको काटा जा सकता है, प्लास्टिक सर्जरी भी हो जाएगी, सब ठीक है, बट आदमी मर जाएगा, इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, बहुत ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उनमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा, अब उम्मीद जता रहा है माली। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक। मिर्जा गालिब का शेर है कि जब तक तुम्हारा ये जो काम चल रहा है तब तक, कब तक ये पूरा होगा पता नहीं, शायद तब तक मैं ना बचूं। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया, हाँ शायर। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटेरिएट की में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया, संवेदन शून्यता। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे, कई क्लर्क उनको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे कि हमारी कविताओं पर कुछ कहिए कि कैसी बन पड़ी है। व्यक्ति को निकालने की किसी को कोई चिंता नहीं है। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया, चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। अब आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि फाइल कहाँ जाएगी, कल्चरल डिपार्टमेंट। कल्चरल डिपार्टमेंट ने अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले पर
फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल माफ कीजिएगा, फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट से अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए आदमी ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे, कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। माफ कीजिएगा, अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, दबे हुए व्यक्ति ने कहा। अभी बंदोबस्त करता हूं, सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, यह लो चुनाव पत्र। उसे क्या चुनाव पत्र की आवश्यकता थी? उसे क्या किसी प्रशस्ति पत्र की आवश्यकता थी? नहीं, उसे उस पेड़ से निकालने, उस पेड़ के नीचे जो दबा हुआ था, जिस जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ था, उससे उसे मुक्ति चाहिए थी, वहां से उसे निकालना था, लेकिन ये लोग उसे निकाल नहीं रहे हैं। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबा हुआ आदमी कहता है, उसकी कराहते हुए कहता है। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी, देखिए कितने दिनों से फाइल बस घूम रही है, और उसकी आंखों से मालूम होता है कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा हुआ है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहां तक कर सकते थे कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीबी को वजीफा दे सकते हैं, अगर तुम दरखास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं, नहीं तुम अगर दरखास्त दो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीबी को हम लोग वजीफा दे देंगे जिससे उसका गुजारा हो जाएगा, इससे ज्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते। मैं अभी जीवित हूं, कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो, मुझे बचाओ, पहले वजीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है, उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है, ये पेड़ वेड़ काटना हमारा डिपार्टमेंट का काम नहीं है, कल्चरल डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है, तो हमने उन्हें अर्जेंट लिखकर भेज दिया है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, कई दिनों से बेचारा उस पेड़ के नीचे दबा हुआ था, उसकी वेदना को महसूस कीजिए, उसके कष्ट को महसूस कीजिए, कोई उसके कष्ट और वेदना को देख नहीं रहा है, सब अपना काम दूसरे पर फेंक रहे हैं, उसे निकालने किसी में भी इच्छा दिखाई नहीं दे रही है, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था, कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को ना काटा जाए, कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले
पिटोनिया, माफ कीजिएगा, 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे, यानी हमारा विदेशी संबंध बिगड़ जाएगा, इसलिए इस पेड़ को ना काटा जाए। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया, दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है, क्या हम उसकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? एक पेड़ काट देने से हमारे विदेशी संबंध का कितनी हास्यास्पद बात है। कवि को मर जाना चाहिए, निसंदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिंटेंडेंट को बताया, आज सवेर प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ के फाइल को हम उनके सामने पेश करेगा, जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, अब वह नहीं था। इसी के साथ हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। अगली कक्षा में हम लोग इसके प्रश्न उत्तरों पर बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं जामुन का पेड़।